हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। मेरा नाम है जय। और कैसे आप सब लोग? तो डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज की तरफ से नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। यहाँ पे टोटल 83 वैकेंसी निकाली गई है। 12th पास कैंडिडेट, 10th पास कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल परमानेंट जॉब है। तो इस वीडियो में हम सिलेक्शन प्रोसेस, पोस्ट, वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं इसकी बात करने वाले हैं, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, तो इस तरह के सभी पॉइंट्स इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो यहाँ पे पोस्ट है वह स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की। इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 12th पास कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट नॉर्म्स आपको दिए गए हैं, जैसे कि डिक्टेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जैसे कि स्टेनोग्राफर जिन्होंने भी किया है उन्हें पता ही होगा। उसके अंदर सेकेंड पोस्ट है वो है लोअर डिवीजन क्लर्क की। इसके लिए भी 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। स्किल टेस्ट आपके यहाँ पे होने वाली है, जैसे कि टाइपिंग की टेस्ट 10 मिनट के अंदर। आपको जो यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है वो आप पढ़ सकते हो, स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। 10 मिनट के अंदर आपको ये टाइपिंग टेस्ट आपकी होने वाली है। उसके बाद में सिविलियन मोटर ड्राइवर, यानी कि ड्राइवर की वैकेंसी निकल गई है। तो 12th पास कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस रहना चाहिए और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके अंदर सुखाने की पोस्ट है, यानी कि नौका विहार। तो 12th पास यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपका स्विमिंग का सर्टिफिकेट रहना चाहिए और आप नौका विहार में अच्छे रहना चाहिए। आपको 2 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तो यह क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे जो एक्सेलर्स रहते हैं इंडियन नेवी के, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 5th पोस्ट है कारपेंटर की। इस पोस्ट के लिए 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपका 2 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए इस कारपेंटर ट्रेड में, या फिर जिनका ITI कंप्लीट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इस ट्रेड के अंदर। उसके बाद में लास्ट पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ की। इस पोस्ट के लिए 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और जो काम यहाँ पे आपको बताया है वो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। अब बात करते हैं सैलरी, वैकेंसीज और एज लिमिट की। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पोस्ट थी उन्हें 25,500 से लेकर 81,100 रुपये दिए जाएंगे। 4 वैकेंसी निकल के आई है। और उसके अंदर जो सेकेंड पोस्ट है उन्हें 19,900 से लेकर 63,200 रुपये पे स्केल दिया जाएगा। और इसी तरह आप अदर पोस्ट की वैकेंसीज देख सकते हो और सैलरी भी देख सकते हो। तो अब बात करते हैं एज लिमिट की। जो पहली पोस्ट है, सेकंड पोस्ट है और थर्ड पोस्ट है उनके लिए 18 से लेकर 27 ईयर्स तक का एज लिमिट है। और जो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पोस्ट है उनके लिए 18 से लेकर 25 ईयर्स तक का एज लिमिट दे दिया गया है। तो बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो यहाँ पे SC ST कैटेगरी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है और OBC कैटेगरी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दे दिया गया है। तो अब बात करते हैं किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो नोटिफिकेशन में आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया गया है और एक एक्नॉलेजमेंट कार्ड भी दे दिया गया है, तो वो दोनों भी बहुत ज़रूरी है। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपको सभी आपकी बेसिक डिटेल्स, जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका फोटो, वो अटैच करना है। साथ साथ आपके एजुकेशन डिटेल्स वहाँ पे फिलअप करनी है आपको। और जिस भी पोस्ट को आप अप्लाई करना चाह रहे हो उस पोस्ट के लिए आपको एक बार एक एप्लीकेशन फिलअप करना है। यदि आप दूसरे पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए एक अलग एप्लीकेशन आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो इस तरह से इन्होंने बताया है। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन के साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स कॉपी भी लगानी है। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो सबसे पहले आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, यानी कि आपकी मार्कशीट्स, 10th और 12th की मार्कशीट्स, यदि आपने डिप्लोमा किया है, ITI किया है, उसकी मार्कशीट आपको चाहिए। आपके कैटेगरी के सर्टिफिकेट, SC ST OBC कैटेगरी के कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। नॉन फीमेलियर सर्टिफिकेट चाहिए OBC कैटेगरी को। और आपके एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, EWS सर्टिफिकेट, PWBD कैंडिडेट्स के लिए डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट। और जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उन्हें यहाँ पे उनका डिस्चार्ज बुक सबमिट करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सर्टिफिकेट्स आपके पास रहना चाहिए। और आपको आपका एड्रेस एक एनवलप में फिलअप करना है, 10x22 के एनवलप में फिलअप करना है। उसके अंदर आपको 2200 रुपये का स्टैम्प लगा के उस एनवलप को आपको इस एप्लीकेशन के साथ पोस्ट ऑफिस के द्वारे कुरियर करना पड़ेगा। तो उसका जो एड्रेस है, किस एड्रेस पे आपको कुरियर करना पड़ेगा, तो वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। द कमांडेंट डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन, नीलगिरिस, तमिलनाडु। तो यहाँ पे इस एड्रेस पे आपको ये आपके सभी डॉक्यूमेंट्स, ये एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट लेटर आपको कुरियर के द्वारा, पोस्ट के द्वारा सेंड कर देना है। तो इस तरह से एप्लीकेशन की प्रोसेस रहने वाली है। लास्ट डेट है 22 मई, स्टार्टिंग डेट है 1 मई। तो यहाँ पे आप बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे रिटर्न टेस्ट आपका होने वाला है, जिसका सिलेबस आपको यहाँ पे दिया है। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, और जो ट्रेड आपका रहता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कारपेंटर, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। MCQ की पैटर्न में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है और इंग्लिश या फिर हिंदी में ये एग्जामिनेशन रहेगा। ऑनलाइन ही एग्जाम होने वाला है, लेकिन इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको बताई नहीं है। लेकिन इस एग्जामिनेशन के लिए आपको कहाँ पे जाना है, उसका वेन्यू आपको बताया है, तो वो है DSSC वेलिंगटन, यानी कि तमिलनाडु आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो बाहर गाँव के बच्चों के लिए थोड़ा दूर है, लेकिन जो तमिलनाडु में रहते हैं उनके लिए थोड़ा अच्छा है। और जब आप जाओगे तो आपको सभी डॉक्यूमेंट्स आप पे लेके जाना है, लेकिन वो ओरिजिनल रहना चाहिए। आपको जीरोक्स कॉपी नहीं लेके जाना है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा।
तो देखिए गाइस, जो एग्जामिनेशन की डेट है वो अभी इन्होंने बताई नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत बढ़ चुका है हमारे इंडिया में, तो इसके लिए अभी इसकी डेट आगे भी आ सकती है। लेकिन यदि आप अप्लाई करना चाहते हो, ज़रूर से अप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल फ्री में आपको अप्लाई करना है। और आपको सभी COVID-19 के जो गाइडलाइंस हैं, जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिलीज़ की है, वो आपको ध्यान में रख के एग्जामिनेशन को जाना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा, मैंने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दूंगी इस वीडियो के माध्यम से। ज़रूर से वीडियो को लाइक करिए, आपके दोस्तों को शेयर करिए, इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस रेगुलरली मिलते जाए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।